ईद के त्योहार को लेकर पूर्णिया में काफी रौनक देखने को मिली। लोगों ने सुबह से ही मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा किया एवं एक दूसरे को बधाई देने में लगे रहे। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा एवं मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी लोगों को मौके पर पहुंचकर बधाइयां दी। पर्व को लेकर प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त दिखी। है जो यहाँ पे गंगा यमुनी तहजीब रही है सबसे ईद के मौके पर समस्त पूर्णियावासियों को अपनी ओर से सबसे पहले ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहेंगे। साथ ही आपसी भाईचारा का जो त्यौहार है इसको हम लोग सभी लोग आपस में मिलजुल के मनाने का काम करते हैं। जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा आपसी भाईचारा है इसको कायम रखना हम सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है और ईद के मौके पर समस्त बिहारवासियों को पूर्णियावासियों को अपनी ओर से समाज को इंसानियत और मानवता को जोड़ने की ताकत देता है। वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ जीने का एक रास्ते बताते हैं। सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता का जीवन दर्शन है। कोई भी पर्व ईद हमें हर तरह के गुनाह को माफ़ कर खुद के गुनाह को समाप्त करने की और दूसरों को माफ़ करने की ताकत भी पैदा करती है। सबको साथ ले चलने वाली ताकत। मैं बधाई देता हूँ इस बिहार के सारे 11 करोड़ 33 लाख लोगों को कि कोई भी पर्व हमारी संस्कृति हमारी ताकत है। एक नैसर्गिक ऊर्जा के साथ हमें जीने की ताकत देता है। बहुत बहुत मुबारकबाद।